वहाँ थैले के पास वो हमारा गोता और कूद गया, अभी डेड बॉडी को किनारे लगाएगा। अब देखते हैं कौन है, क्या है, बेचारा किसका है। जब रास्ता फेंक वाक्य अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। जो ही आप अल्टो देख रहे हो, अल्टो K10, ये देखो ये अल्टो K10 VXI है, इसका ये नंबर है देख लो। और ये गाड़ी है मारुति सुजुकी वालों की, फिर मैं दोबारा बार बार दिखा रहा हूँ, ये इसका नंबर है। और ये बंदा नहर के अंदर सुसाइड कर गया है। और दोस्तों गाड़ी के अंदर देखो कुछ सामान वगैरह इसका, कुछ माड़ा मोटा देखो, पनिया पड़ी है। देखो गाड़ी के अंदर इसका मोबाइल वगैरह सब अंदर रखा हुआ है। मैं गाड़ी खोलने की कोशिश करता हूँ, गाड़ी लॉक है, पर इसका मोबाइल वगैरह गाड़ी के अंदर रखा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे भाई की पहचान हो। बॉडी इसकी जो डेड बॉडी हमने नहर से बरामद कर ली है, और किसी भाई ने बताया किसी गाड़ी वहाँ नहर के ऊपर खड़ी है। देखो अंदर मोबाइल वगैरह सारा अंदर पड़ा हुआ है, देखो गिलास वगैरह कागज़ वगैरह सारे अंदर पड़े हैं। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, देखो मोबाइल इसका सीट के ऊपर पड़ा हुआ है, ये देखो, ये देख रहे हो आप मोबाइल ये सीट के ऊपर रखा हुआ है, कागज़ वगैरह है गाड़ी के ऊपर, ये देखो स्टिकर लगा हुआ है, फास्ट टैग वगैरह लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये देख लो, इसका गाड़ी का नंबर है और ये गाड़ी है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। राजपुर वाली नहर है, गंडा खड़ी के पास नहर है, और ये रेलवे लाइन वाला पुल है दोस्तों। ये यहाँ से बंदा सुसाइड कर गया, रेलवे लाइन वाला पुल है। और मैं और भी कुछ चीज़ें ढूंढता हूँ अगर इसकी बरामद होती हैं तो। दोस्तों इसकी डेड बॉडी हमने बरामद कर ली, मैं फिर बोल रहा हूँ इसकी डेड बॉडी भी हमें मिल चुकी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये कार यहाँ नहर के ऊपर खड़ी है, इसकी डेड बॉडी हमें मिल चुकी है। मैं फिर कह रहा हूँ डेड बॉडी हमने इसकी रोक ली है, और इसने सारा सामान अपनी गाड़ी के अंदर रखे और सुसाइड कर लिया नहर के अंदर। मेरा भाई कोई भी राजपुरा गंडाखेड़ी और पटियाला ज़िला या कोई भी आसपास को, मैं फिर बता रहा हूँ PB 65, मैं गाड़ी का नंबर बता रहा हूँ PB 65AA 59 यानी 5976 नंबर है, 76। ये देख लो आपके सामने गाड़ी पे ये नंबर चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताना इसके बारे में। अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो आशु मलिक गोताखोर के नंबर पर संपर्क करें। तो दोस्तों मैं इसकी बाकी जानकारी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और दूसरा जो हम इसको डाल रहे हैं, राजीव गोताखोर है, उसके चैनल के ऊपर भी हम इस वीडियो को डाल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस मेरे भाई की पहचान हो जाए। इसकी डेड बॉडी हमने बरामद कर ली है, डेड बॉडी हमारे पास है। कोई भी मेरा भाई इसको जानता है, अगर पहचानता है तो हमारे संपर्क करें। और वो देखो पुलिस आ ली है, मैंने पुलिस को सूचना दे दी, SHO साहब मौके पर पहुँच रहे हैं अभी एक मिनट के अंदर अंदर। देखो सामने आपके जीप आ रही है, गाड़ी देखो, ये सब SHO साहब सामने आ रहे हैं। देखो गाड़ी के अंदर, वो देखो पुलिस पूरी पार्टी के साथ में पूरी आ रही है अपने, देखो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहना। ये देखो पुलिस मौके के ऊपर पहुंच गई है, और जो लवारिस गाड़ी है इसकी अब छानबीन की जाएगी। SHO साहब देखेंगे सारी गाड़ी को। ये देखो ये PB 65 गाड़ी जो है मोहाली का नंबर बता रहे हैं SHO साहब, ठीक है। और मौके पर SHO साहब पहुँच चुके हैं, देखो अब गाड़ी की छानबीन करी जाएगी। दोस्तों शाम आप पीछे हो जाओ थोड़ा सा, बटन दबा के देख लो, कोई नहीं। तो गाड़ी चाबी से खोली है तो इसलिए सारे बज रहा है। देखो ये गाड़ी के कागज़ वगैरह सारे जो अंदर पड़े हुए हैं, और चेकिंग शुरू हो गई है गाड़ी की। ये देखो, ये देखो, ये पेपर वर्क जो है सारे गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं। जी शर्मा सर, ये आई कार्ड है। उरी आन के सर, उरी आन के, कोई नहीं। तो डेड बॉडी का जो परिवार है वो पहुंच गया है, और ये तकरीबन देखो ये सारा मीडिया जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है इसको कवर करने के लिए। ये देखो, और ये डेड बॉडी का परिवार है जो मौके पे पहुंच रहा है अभी।
ये हमारे गंडाखेड़ी वाले एसएचओ भी साथ में आ चुके हैं। ये अपने कृपाल जी एसएचओ साहब गंडाखेड़ी थाने से पहुंच चुके हैं और परिवार सारा तकरीबन आ चुका है। और हमारे श्याम कुमार यादव देख सकते हैं आगे। सर शरीर ना काला पैन लग गया, ये देखो तुसी ना देख लो शरीर ना हुण काला पैन लग गया डेड बॉडी दा। कर रहे चलो टोटो बेटे दूसरा हाथ बांध दिया, दूसरा हाथ बांधना है। हाँ दोनों हाथ बांध के ना दूसरा हाथ बांध बहुत बढ़िया रहेगी, निशान ना पड़न दियो। दोनों खींच लो हाथ पड़ के, चल एक मिनट रुक जा, नहीं आ जाएगा आ जाएगा, पहले ताकी ला के ना थोड़ा इकट्ठा कर लो, ऐसे करते नहीं है, इसको नीचे गिरा दो, परली ताकी लगाओ जी, तुम ताकी लगाओ परली, हूँ ऊपर चक लो, देखो ताकी लगी परली मोड़ देते पैर को, बस बस हो गया फिर टाकी बंद कर, अपना किधर से परी टाकी बंद कर दो, चलो सर जी डेड बॉडी मिली है बारे जानकारी दो सर, थोड़ा पेपर पीछे रखो, अच्छा सानू 11 बजे जानकारी मिली सी भी कोई सिगा मतलब उन्हें नहर ते गड्डी ला के ते वो मतलब उसने नहर च छाल मारती सी, मतलब उदे फिर असी गुत्तोफरां दी मदद नाल इत्थों कढ़िया, हुण इहदा पता लावांगे, जो शनाख्त होई नहीं सर हाले, शनाख्त हो गई जी, इह राजीव कुमार है जी, जे ही है अपना म्यूनसीपल कारपोरेशन च राजपुरे, मतलब सनोर ड्यूटी सी 15-20 दिन तो शायद ये बदल के इतने आए ने, पहले जीरकपुर के सर अच्छ मौजूदा कितने से जिमने ये मौजूदा राजपुरे से जी, तो इन्होंने को सनौर का चार्ज भी सगा, हूँ ये सनौर जा रही थी तो कह के आए नहीं भी मैं सनौर चलिया, पर सनौर पहुंचे नहीं, पर इतों इन्होंने गड़बड़ एक चीज़ों का कोई कारण पता लग सकता इस चीज़ का भी क्यों सुसाइड की है, जो कोई घर चो परेशानी कारणों का पता ला रहे हैं जी, पड़ताल सारी जा रही है, जो भी कारणों का पता कितना होगा उदा कार्रवाई करा, इस अलावा तो कार में आपको कुछ एक्सट्रा कुछ मिले हो जिमें दसा जा रहा गोताखोरों वालों भी उत्तर कोई पॉइजन पैकेट भी सके जो हो कुछ नहीं मिले जी, फिर भी असं अपने तौर पर पता कर रहे हैं की कारण है, तो ये कागज वगैरह से कोई डॉकूमेंट्स दफ्तर के वो मिले जी। सर जो परिवार मैंबर आए कोई इन्होंने माड़ा मोटा कोई दस है जी की कोई घरेलू कारण है की चक्कर है जी, नहीं घरेलू कारण कोई सी घर च तो कोई प्रॉब्लम नहीं सी जी इन्हें दसन मुताबक, बाकी पता ला रहे हैं जी पता कर रहे हैं। थोड़े वालों की कार्रवाई की जा रही है जी हूँ जी, साढ़े वारस आ गए जी, उन्होंने मुताबक देखते हैं पड़ताल करा, जो भी जो हथ होगा जिदा पिछे ज कोई कारण मरण का कारण पाया जाता या नहीं पाया जाता वो मुताबक कर, नहीं यह कुछ नहीं फिलहाल। थैंक यू जी, धन्यवाद।
ਹੋਵੇ।